हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हो एकदम अच्छे हो। आप सबके प्यार आशी पास, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा क्या, काफ़ी लेट हो गया। मेहमानों को आज स्कूल मतलब क्लास नहीं करवा पाई, क्योंकि पता नहीं कैसे मैं उठी दूध लेने, फिर दूध नहीं आया था तो मैं गई और सोची आधे घंटा और लेट लूँ, फिर अभी उठती हूँ। थोड़ा जल्दी उठ गई थी 5 ही बजे और मुझे नींद आ गई है, मैं सो गई। कितनी देर कभी सोती नहीं हूँ क्योंकि मुझे भोग लगाना रहता है, भगवान जी का नहाना रहता है, फिर किचन में जाना रहता है, बड़ा काम रहता है। और मैं सो गई और अच्छा खासा सो गई। तो जब उठी तो बहुत लेट हो गया था, तो आज उसको क्लास नहीं करा पाए। अभी जल्दी जल्दी सारा काम कर रहे हैं। अभी मैंने झाड़ू लगाना है फिर से, क्योंकि थोड़ा बाल धुले तो पूरे घर में बाल ही बाल बाल ही बाल। और पता नहीं वो एक ये वाली टाइल्स पे बड़े बाल दिखते भी हैं। और इतनी कहाँ से मक्खी आ गई, मेरा दिमाग तब से उसी में जा रहा है। इसको निकाल दूँ, उड़ गई। चलो फिर इधर आती है तो उसको निकालते हैं, क्योंकि मक्खी से मेरा बड़ा दुश्मनी है, मुझे बहुत घिनन लगती है उससे। अब जल्दी जल्दी खाना बना रहे हैं, बन जाए खाना। खाना वगैरह हो गया और अभी बहुत तेज़ धूप निकली थी, अचानक से खूब तगड़ी वाली बारिश होने लगी। अवानू लग गई बारिश देखने में, खुश हो गई। और मुझे बारिश होती है तो वो जो जब मिट्टी बहुत सूखी रहे ना और फिर पानी पड़ता है तो महक जो आती है मिट्टी की, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब उसके लिए तो मैं सब हार जाऊँ, जो कहूँ वो हार जाऊँ। मुझे मतलब बहुत पसंद है बारिश। कैसा लगा बारिश? अच्छा। मजा आई? आज तो हम मम्मी से छोटे हो गए। छोटी हूँ मानु बहुत शैतान हो चुकी है, मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं, इतना मारने लगे हैं। अगर वो टूट गया तो फिर हम बनाएंगे नहीं ना, पापा बनाने देंगे, क्योंकि परेशान करती रहती हूँ दिन भर। थोड़ा थोड़ा घर का माहौल जब ठीक होता है ना तो अपने आप चेहरा और हर चीज खिलने लगता है, और थोड़ा दिक्कत हो तो फिर अपने आप डल हो जाता है। मेरा अभी कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बहसबाजी या कम है। और यार से चाय बनाने मतलब चाय पीने का मन कर रहा है, कोई ऐसा टाइम नहीं है चाय का, लेकिन चाय पीने का मन कर रहा है। तो मेरा मन कर रहा है बना ले, लेकिन अभी सोच रहे थोड़ा सा तो रुक जाए। कान में कली से सोच रहे पहन लेंगे और बार बार भूल जा रहे हैं। अब हमें लगता है कि अच्छा स्विच मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे में नहीं दिखता है क्या? मैं जैसे लेटी थोड़ा सा मतलब सोने के उसमें आ गई थी, भगवान ने मुझे जगा दी, जगा के नहीं चिल्ला दी, बस मैं डर गई। मेरा सर एकदम से दर्द होने, मेरे पता नहीं क्या हो गया, ये बैक, ये सर, जो ये वाली होती नहीं होती, ये बहुत पेन कर रही है और सर वगैरह ऐसे कर रहा है तो दर्द हो रहा है, भारीपन है पूरा, तो अजीब सा लग रहा है। और गुस्सा बहुत तेज आई मानू के ऊपर, कि मानू कहीं मम्मी मैगी बना दो। अब ये बैठ के देखिए मैगी खा रही है। हम भी खा ले थोड़ा सा। तू तो कर रही है, खा नहीं पाएंगी। मैं चाय पी रही हूँ काली वाली, मतलब मुझे चाय ऐसी पसंद है जो हल्का सा दूध डाल के बनाने वाली, मतलब बहुत दूध वाली चाय मुझे नहीं पसंद है। वो पता नहीं अजीब सी घी सी आना लगती, मतलब उसके अंदर घी घी का महक आने लगता है, तो मुझे नहीं अच्छी लगती है। मैं बहुत जरा सा दूध डाल के बनाती हूँ, मुझे वही चाय पसंद आती है। चेहरा थोड़ा सा ठीक हो रहा है, नहीं तो बहुत गंदा हो गया था, पूरा दाग यहाँ पे चारों तरफ दाग। मैगी खा के कौन बड़ा हो जाता है? मानू खा भी नहीं पाती, अभी देखिएगा कैसे खाएंगी। मानू को खाना ही नहीं आता है।
बस बस इतना इतना खाओ, जितना आ जाए उतना का पूरा गिराओ ना। ये मानु को खाना नहीं आता, मानु ऐसे ही खाती हैं, पूरा गिरा देती हैं। के लिए पोहा बनाए थे वो भी खा लिए, मानु के लिए मैगी। वानू के पापा के लिए पोहा बनाए थे और वानू के लिए मैगी, तो वो भी खा लिए। सब चाय तो पीते नहीं है वो, हम ही चाय पीते हैं दो टाइम सुबह शाम। शाम को कोई जरूरी नहीं है, सुबह तो पीते ही पीते हैं, कभी कभी शाम को भी पी लेते हैं। उनको चाय छोड़े बहुत सालों बीत गए, बहुत चाय छोड़ दिया उन्होंने, जबकि सबसे बड़े लवर थे, टी लवर वही थे। मुझे 2 बजे रात में भी बोल देते थे चाय बनाओ चाय बनाओ, अरे अब बिल्कुल नहीं पीते क्योंकि तबीयत नहीं ठीक रहती है। मेरी भी नहीं ठीक है, डॉक्टर को दिखाया था तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, पता नहीं क्या क्या, और बोले हैं वही है कुछ उसमें डाले नहीं है, यही सब बताए थे। बोले एक्सरसाइज वगैरह करो, समय ही नहीं मिला था एक्सरसाइज करने का, लेकिन हम सोचे हैं कि करेंगे एटलीस्ट अपने लिए तो करेंगे, नहीं तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। करना हमको पड़ेगा, चाहे हम रो के करें चाहे गा के करें, सारा काम हमको ही करना है, लेकिन तबीयत खराब है तो खाओ उसको तो ठीक हो जाएगा। अब एक्सरसाइज भी करेंगे क्योंकि काम तो करना ही हम ही को है, तो एक्सरसाइज भी हमको करना पड़ेगा क्योंकि अगर तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो काम कैसे करेंगे, और काम तो करना ही पड़ेगा, और वो भी सब करेंगे। स्टार्ट करना है अब, देखिए जिस दिन से स्टार्ट कर दें कुछ। पागल हो गया है, क्या कहें आप लोगों से, आप लोग तो बिल्कुल मेरा मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब जरा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है नहीं अच्छी हूँ, नहीं अच्छा ब्लॉग मेरा है होता है, लेकिन शायद सपोर्ट नहीं। देखिए मानू ने 1 से लिखा है पूरा 30 तक, वेरी गुड। हाँ तो मैं कह रही थी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, नहीं अच्छा ब्लॉग है। मुझे भी पता है कि मैं एकदम बहुत प्रोफेशनल नहीं हो गई हूँ ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि कभी किया नहीं है, और इतना कैमरे के सामने बोलना, इतना वो करना, ये सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ नामुमकिन भी नहीं है, धीरे धीरे इंसान सीखता है। मैं भी सीख जाऊंगी, अगर मैं ऐसे कोशिश करूंगी तो सीख जाऊंगी, पर सपोर्ट करिए आप लोग ना, सपोर्ट ही नहीं करता है कोई कई, पर जो भी करता है जिसने भी सब्सक्राइब कर लेता है कोई, तो मेरे दिल से उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद निकलता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है हाँ ठीक है आज एक तो बढ़ा, क्योंकि आज सच में एक सब्सक्राइबर मेरे बढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छा लगता है यार देख के, बहुत अच्छा लगता है, लगता है मैं मेहनत कर रही हूँ घर के काम, घर के काम, बच्चे के साथ और खाना सारा काम उसके साथ में, मैं अगर ये कर रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। मुझे पिछले 2-3 महीने से मैं ये नहीं हो पा रहा है कि मैं एक बार जाके आईब्रो बनवा लूँ, जबकि सारी मेरे साथ की मेरी खुद की कज़न वगैरह हैं वो इतनी अपने आप को लेकर बहुत एक्टिव होती हैं, दुनिया चाहे भाड़ में जाए सॉरी हाँ, लेकिन वो अपने को लेकर बहुत एक्टिव रहती हैं, वो हर चीज़ अपने बारे में सोचती हैं, पर मेरे पास इतना समय नहीं है सोचने का, और मैं फिर भी अपने लिए ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे ये रूप संवारने से ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करना, मन की बात बताना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसी हूँ, क्या नहीं है वो बताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहती भी हूँ कि मैं ये करूँ, मैं हमेशा करूँगी। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं अभी मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ और मैं करूँगी, भले ही कोई बोले उले, वैसे तो ये नहीं बोलते बिल्कुल भी, लेकिन मुझे पता है मैं जब घर जाऊँगी तो वहाँ पे बोले जाएंगे, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, मेन यही है, इनको नहीं फ़र्क पड़ता तो फिर
आपको ही वो नहीं है, मैं करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप लोग ऊपर उठा सकते हैं तो उठा दीजिए ना, एक बार हाथ लगा दीजिए। मेरे को भी इतने ब्लॉगर को आपने सपोर्ट किया है, इतने ब्लॉगर को आपने सपोर्ट किया है, इतनी ऊंचाइयों पे उठाया है, आप लोग की वजह से सब है। आप लोग की वजह से आज वो लोग इतने अच्छे उस पे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो गए। अगर आप साथ रहो, आप सब साथ रहोगे ना, तो सब कुछ मुमकिन है, और ये चीज़ मैं मानती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और बहुत सारी शिकायतें हो गई, बहुत सारी मैंने वो कर ली आप लोगों से, क्योंकि क्या करूँ यार, आप ही लोगों से बोल सकती हूँ ना, तो बोल रही हूँ, करो मुझे भी सपोर्ट करो। जब चाहती हूँ आप लोग को अपना परिवार बनाना, तो करो ना सपोर्ट मुझे। प्लीज़ करो सपोर्ट। सो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करिए, देख के ना निकल जाइए, सब्सक्राइब भी करिए। सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।